हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का जॉब जंक्शन में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं एक ऐसा इंफॉर्मेशन जिस इंफॉर्मेशन की जरूरत हर किसी स्टूडेंट को होती है, पर वो उसे किसी से झिझक के मारे पूछ नहीं पाता। चलिए जानते हैं इस इंफॉर्मेशन के बारे में। और ये इंफॉर्मेशन जानने से पहले, आपने अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। So, ये इंफॉर्मेशन है आज आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है और वो है एड्रेस राइटिंग। एड्रेस राइटिंग जो है ये बहुत ही कम लोगों को ये समझ में आता है कि सही एड्रेस लिखा कैसे जाता है, तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं। कभी भी एड्रेस लिखते समय आपको शुरुआत से नहीं देखना है बल्कि उल्टा लिखना है। हाँ, आपने सही समझा, उल्टा। उल्टा कहने का मतलब आपको एड्रेस इस तरीके से लिखना है कि उस एड्रेस को कोई उल्टा पढ़े तो बिना किसी से पूछे वो वहां तक पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं इसे एक एग्जांपल से। मान लीजिए एक कैंडिडेट है जिसका नाम है नेहा शर्मा। सो सबसे पहले उसका कैसे नाम लिखाएगा, सबसे पहले वो उसका नाम नेहा शर्मा, डीओ इट मींस डॉटर ऑफ एसएन शर्मा। देन वो किस एरिया में रहते हैं, वो तो संजय नगर। फिर वो किस सिटी में रहते हैं, कुरुद। फिर वो किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, धमतरी। फिर किस राज्य में रहते हैं, छत्तीसगढ़। फिर कौन से देश में रहते हैं, सो देश का नाम। और अगर आपके पास पिन कोड है तो पिन कोड भी जरूर लिखिए उसमें। और अंत में अगर आप दे सकते हैं तो आप कॉन्टेक्ट नंबर भी लिख सकते हैं, नहीं तो इतना में आपका पहुंच जाएगा। तो अगर हम देखें तो आप इसे उल्टा पढ़ेंगे तो कौन से देश में है, तो इंडिया। कौन से राज्य में है, छत्तीसगढ़। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, धमतरी। कौन से सिटी में है, कुरुद। कौन से एरिया में है, संजय नगर। किनके यहाँ है, एसएन शर्मा। और किनके पास ये लेटर जा रहा है, नेहा शर्मा। सो ये है एक प्रॉपर वे एड्रेस लिखने का। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए। थैंक यू।